रोल कर दे। सर, हम गाने के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या क्या प्रोजेक्ट और आपके आने वाले हैं इसके अलावा। देखिए, अभी सबसे पहले बिप्लब देव जी हैं, उनके साथ मैं गाना कर रहा हूँ बहुत जल्दी। लेकिन इससे पहले मैं एक आयुर्वेदिक कंपनी, आयुर्वेदिक बनाती है, और AWPL, 8 साल से मैं 9 साल से उनका काम कर रहा हूँ। तो DJ सैलगुट जी के साथ में मेरा वो एक एंथम आ रहा है उनकी कंपनी के लिए, और उनके साथ 4-5-6 गाने और मेरे अभी बहुत जल्दी में लाइनअप है। तो कल कल मैं उनके साथ एक गाना डब कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से बहुत जल्दी आप सबको कुछ नया सुनने को मिलेगा। विशाल, आपने अपनी जर्नी बताई, काफी जी इंटरेस्टिंग रही है, और ऐसे लोग हमेशा आगे आए हैं, ये इतिहास रहा है, ये बॉलीवुड गवाही देता है इस चीज की, चाहे यश चोपड़ा हो या DOP हो, बड़े बड़े बिल्कुल मेहता साहब बोतल में पानी भर के बेचते थे, जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े कैमरामैन थे। मतलब एक सीखना हो इंसान को तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर, आपको कब लगा कि मैं एक सेलिब्रिटी बन गया हूं? जब आपने ट्रेन का सफर करते हैं, कभी किसी ने पहचाना हो, अरे ये तो वो है जो वहां शो में आया था, कोई ऐसा वाक्य शेयर करेंगे आप? हाँ, मैं तो आपका क्या उस टाइम रिएक्शन था? रिएक्शन ये था, देखो सर, मैं एक्स फैक्टर के दौरान, जब एक्स फैक्टर आया और एक्स फैक्टर के बाद जब वो एपिसोड रिलीज हुआ ना, तो जब मैं अपनी वाइफ और बेटी के साथ जब मैं निकला, तो लोगों ने मुझे पहचान लिया, अरे ये तो वही ऑटो रिक्शा चलाने वाला जो TV पे आया था। फिर मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, मैं कानपुर जा रहा था दिल्ली से, तो वहां के TT ने मुझे पहचान लिया, और मैं बहुत अर्जेंटली में जा रहा था, तो मैंने लोकल टिकट निकाला, मतलब लोकल वो जनरल डब्बे का, और TT को रिक्वेस्ट किया उसमें जाके। तो TT ने कहा नहीं 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 हमने तो सब। आज भी मेरे साथ ये होता है कि जब लोग मेरा वो एपिसोड देखते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि ये एपिसोड मैंने देखा है। जब मैं अभी 4 दिन पहले मैं दिल्ली से मुंबई आ रहा था फ्लाइट में, तो कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया, तो बोले कि हाँ, एक्स फैक्टर हम तो आपके, मैंने कई बार देखा, तो ये उस एपिसोड का और शो का जादू है, आज तक बरकरार है। सर, कहेंगे टैलेंट के साथ दुआ भी होती है, एक स्पिरिचुअल भी होते हैं, आप किसको मानते हैं? मैं मेरी ब्लेसिंग मेरे ऊपर बहुत है। मैं ब्लेसिंग, मेरी मम्मा बचपन में 8 महीने का इस दुनिया से चली गई थी शायद मेरा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मम्मी आज भी मेरे साथ, हमेशा उनकी ब्लेसिंग मुझे मिली है, और उन्हीं की ब्लेसिंग, और जितनी ऑडियंस, जितने व्यूवर्स हैं एक्स फैक्टर के बाद, जो इतना मान सम्मान, ये प्यार, और जो भी मेरे सपने थे। संजय लीला बंसाली जी ने एक बात बहुत खूबसूरत कही थी कि विशाल, बहुत जल्दी वक्त आने वाला है जहां तुम्हारी वाइफ टीचर सिखाएगी, लोगों को पढ़ाएगी, तो बहुत जल्दी वक्त आएगा कि गाड़ी लेके, उसको गाड़ी में बिठा के लेके जाओगे। तो वो सपना पूरा हुआ, मैंने अपनी वाइफ को कंप्लीट कराया BEd, साथ में मेरी जो भी है, तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है। मैं ऑडियंस का, जो मेरे ऑडियंस नहीं है, मेरे माई बाप हैं, व्यूवर्स हैं, इनकी ब्लेसिंग मुझे हर दिन मिलती है, हर दिन मुझे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, चाहे कैसे भी मिलती है, फोन के जरिए, हमेशा लोग ब्लेस करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे को प्यार करते हैं, तो ऐसे ही आपका प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग बनी रहे। मैं अपने गाने के जरिए कोशिश करता रहूंगा कि आप सबके दिल में जगह बनाऊं और आप सबका दिल जीत पाऊं। जैसे आपने स्ट्रगल देखा, आप नहीं चाहेंगे कोई और दूसरा बच्चा मेरी की तरह स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचे? आप मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो किसी ऐसे बच्चों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे या उसको आगे लेकर आएंगे? जो बहुत सारे ऐसे रिक्शे वाले हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सब्जी वाले, दूध वाले हैं, काफी सारे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, यूपी बिहार दिल्ली में लोग रहते हैं जिनको खाने का ठिकाना नहीं है, मुंबई आना तो बहुत दूर की बात है, तो ऐसे लोगों को क्या प्लेटफॉर्म देंगे आप? देखिए सर, मैं सही बात, आपने पूछा कि सिखाएंगे, सिखाने की तो बात नहीं, क्योंकि मैं खुद ही, क्योंकि बदलाव आ जाता है मुंबई में आके लोगों में। नहीं नहीं आता है सर, लेकिन मैं इस लायक तो नहीं समझता हूँ कि अपने आप को मैं किसी को सिखा सकूँ। हाँ, अपना तजुर्बा उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे ऑडिशन होते हैं रियलिटी शोज के, मैं उनको, किसी को नहीं पता होता है, हर किसी इंसान को नहीं पता होता है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे 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 पेज पे मैसेजेस आते हैं, भैया हम, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, आपसे सीखा है, आपकी जैसे बनना चाहता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ कि रियाज करो, मेहनत करो, जो भी आपका लक्ष्य है उस पर फोकस रखो, साथ में कुछ छोटा मोटा आपका जो काम है ना, वो भी करते रहो, क्योंकि अगर काम नहीं करोगे तो खाओगे कैसे? क्योंकि इसमें एकदम नहीं मिलती, मुझे भी 25 साल, तो 20-25 साल तो लगे ना आने में, कहाँ वो 96 का पीरियड और कहाँ 2011 का। अमरीश पुरी को भी 45 की एज में काम मिला था, आपको पता है? हाँ, भवानी रानी साहब 49 ईयर्स में आए। तो कला की कोई उम्र नहीं होती है? नहीं सर, उम्र तो नहीं होती है, लेकिन
आजकल के लोगों में ना पैशंस नहीं है, आप कोई एक घंटे भूखा नहीं रह सकते। आप कहीं ना कहीं भक्ति से भी जुड़े हैं, तो हमने सुना है गुरु जी के आप अच्छे भक्त हैं, और क्या उनके लिए भी कुछ भजन कीर्तन वगैरह करते हैं आप? नहीं, मैं एक्चुअली डिवोशनल से बहुत, लेकिन गुरु जी के लिए मैंने अभी गुरु जी का जाप मंत्र मेरे अपने चैनल पे ही मैंने डाला है, और गुरु जी के ही आदेश था, उन्हीं का कॉल था, तो मैंने वो किया है, मतलब किसी कंपनी से नहीं किया, ओनली। क्या है वो, सुनाएंगे? गुरु जी का जाप, मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई की तरह विनय कपूर, उन्होंने इस गाने को कंपोज किया, जाप मंत्र को किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप मेरे चैनल पे, आप यूट्यूब पे डालेंगे विशाल श्रीवास्तव गुरु जी जाप मंत्र, तो मिलेगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप सब जाते? कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबका प्यार आशीर्वाद ब्लेसिंग ऐसे ही बना रहे मेरे पे, और इतना प्यार दिया, आपके प्यार और ब्लेसिंग से यहाँ तक पहुंचा हूँ, आगे भी पहुंचूंगा जरूर, और हमेशा यही रहता है कि आगे बढ़ूं, लेकिन किसी का दिल ना दुखाऊं, और मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं, मैं अपने अंदर बदलाव नहीं ला, ये कपड़े लेते थोड़ा सा चेंज जीवन में करना पड़ता है, क्योंकि शोज में जाना और भी चीजें, लेकिन अपने बिहेव में मैं हमेशा लोगों की ब्लेसिंग लेता रहूं, इज्जत मान सम्मान सबका करता रहूं, और आपका प्यार ऐसे बना रहे। थैंक यू सर, लव यू ऑल, जय हिंद जय।